मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम मैथ्स में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई करने के और डिवाइड करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन है, हमें जिब्रान जो है वो किंग आसान का आसन का कैशियर है, ठीक है। कैशियर वो होता है जो दफ्तरों में सैलरी वगैरह तनख्वाह वगैरह देता है, पैसों का हिसाब किताब रखता है। तो वो कैशियर मतलब वो पैसों का लेन देन करता है, उसको पैसे देने होते हैं या कोई उसको पैसे देगा सरकारी खजाने में डालने के लिए या किसी चीज़ के लिए सरकारी काम के लिए, तो वो कैशियर होता है। हिज जॉब इज़ टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग। उसका काम है कि सब जितने भी दरबार में, राजा के दरबार में, बादशाह के इस दरबार में जितने भी काम करने वाले दरबारी हैं, जो भी काम करता है वहाँ पर, उन सब की सैलरी को देखना। दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे। अब ये जो ये नीचे चार्ट दिया गया है, ये वाला चार्ट, तो इससे हमें पता चलता है कि एक आदमी एक दिन में कितनी सैलरी लेता है। जैसे कि मिनिस्टर है तो मिनिस्टर की सैलरी 195 रुपीज़ है एक दिन की। हॉर्स राइडर है जो घोड़ों को दौड़ाता है, जो घोड़ों के घुड़सवार जो होते हैं उनकी, वो है 76, ठीक है। अब जो कुक हैं जो खाना बनाते हैं उनकी है 65 एक दिन में। जिब्रान वॉन्टेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ही रोट। तो जो जिब्रान था वो जो कुक है, कुक जो है उसकी सैलरी वो देखना चाहता था कि जनवरी के महीने में उसकी सैलरी कितनी बनती है, पूरे महीने की उसकी सैलरी कितनी होगी। तो वो क्या करता है, अब जैसे यहाँ पर कितना है टोटल 65 है, तो जिब्रान ने क्या किया, जिब्रान ने 60 को अलग निकाला और 5 को अलग निकाला। जब हम 60 प्लस 5 करेंगे तो बनेगा 65, तो दो जोड़ के नंबर से 65 बनता है ना। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको कि जो 60 है, 65 है, वो बराबर है 60 प्लस 5 के, है ना, दो जोड़ के नंबर से बनता है। तो जिब्रान ने क्या किया, उसने 60 यहाँ पर लिखा और 5 यहाँ पर लिखा, फिर क्या किया, फिर 60 को मल्टीप्लाई किया 30 से। ये 30 कौन सा है, ये 30 है मंथ का, जनवरी का। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। 31 डेज में 30 उसने अलग निकाला और 1s अलग निकाला, मतलब इसने 1s और 10s किया। तो 30 जो है वो 10s प्लेस में आ गया, 1s जो है वो 1s प्लेस में आ गया। तो 30 + 1 = 31, 60 + 5 = 65। पहले 60 को 30 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। फिर 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले 30 दिन की सैलरी देखी इसने, 30 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक दिन का देखा, फिर 5 को फिर 30 के साथ मल्टीप्लाई किया ये देखा, फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक दिन का, फिर इस सब को इसको 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 ऐड करके देखना है कितना आता है, ठीक है। लेकिन अभी पहले हम इतना करते हैं, तो इसके आगे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मिनिस्टर की सैलरी कितनी है, हाउस राइडर की कितनी है और कुक की कितनी है। अब कुक की सैलरी उसने जनवरी के महीने के लिए कैलकुलेट की, फॉर द मंथ ऑफ जैन आ गया। ये देखिए मैंने ये चार्ट बनाया है, 60 5 31 हो गया, 60 + 5 = 65 डेज, 65 रुपीज़ पर डे का, और 30 + 1 हो गया 31 डे जनवरी के। तो पहले 60 जैसे बुक पे दिया है, 60 और 30 को वो आ गया हमारे पास 1800 रुपीज़। फिर आ गया एक दिन का 60 into 1 = 60 रुपीज़।
फिर 5 30 डेज का हो गया 150 रुपीज़, और 1 डे का 5 आ गया 5 रुपीज़। तो अब हम इस सब को प्लस करेंगे, 1800 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, हम कॉपी के साइड में एक लाइन डालेंगे। अब जैसे मेरे पास ये इंटरलीफ कॉपी है, तो मैं यहाँ कहीं इस पेज का यूज़ कर रही हूँ रफ के लिए, ठीक है, फॉर रफ। अगर आपके पास इंटरलीफ कॉपी ना हो तो आप क्या करना, आप अपने पेज के साइड पे एक लाइन डाल देना, उस पर लिखना रफ, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये लाइन डाली यहाँ पर, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं रफ, ठीक है। अब रफ में क्या करूँगी, जो ये कैलकुलेशंस है ये रफ में करूँगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ऐसी कैलकुलेशंस जो हमेशा नहीं दिखानी पड़ती है, कुछ खुद के लिए भी करनी होती है, जैसे 1800 फिर है 150 फिर है 60 फिर है 5 5, 0 प्लस 5 हो गया 5, 5 प्लस 6 हो गया 11, 8 प्लस 1 हो गया 9, 9 प्लस 1 हो गया 10, 1 प्लस 1 हो गया 2। एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं, 0 0 0 5 हो गया 5, 0 प्लस 5 प्लस 6 हो गया 11, 1 लिखा 1 आ गया कैरी, 8 प्लस 1 हो गया 9 प्लस 1 हो गया 10, 0 लिखा 1 आ गया कैरी, 1 प्लस 1 हो गया 2 हो गया। कुकी सैलरी कितनी है, इक्वल टू 2015, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो ये हमने कुकी सैलरी कैलकुलेट की, तो जनवरी के महीने में कितनी कुकी सैलरी बनी, 2115 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या है, जिब्रान्स डॉटर इरम, जो जिब्रान की बेटी थी इरम, हैज़ लर्न मेथड टू मल्टीप्लाई, उसने कुछ मेथड सीखे थे, एक और मेथड सीखा था मल्टीप्लाई करने का, शी रोड दिस एंड शोड इट टू बासित हर ब्रदर। तो उसने ये वाली कैलकुलेशन जो लिखी, जैसे वो मल्टीप्लाई करते उस तरीके से, और उसने वो बासित को दिखा दी, बासित जो उसका भाई था, तो बासित को वो कैलकुलेशन दिखा दी, वो मल्टीप्लाई दिखा दिया। अब बासित जो है वो, उसने कोशिश की मिनिस्टर की सैलरी, सैलरी ऑफ अ मिनिस्टर फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने के लिए उसने मिनिस्टर की सैलरी कैलकुलेट की कि कितनी होती है। ही वॉन्टेड टू मल्टीप्लाई 195 into 31, तो उसे वो क्या करना चाहता था, वो 195 को मल्टीप्लाई करना चाहता था 31 में। अब ये कौन सा मेथड आ गया, अब इसमें क्या किया इसने, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जिब्रान ने क्या किया था, उसने पहले टेंस वंस और टेंस में इसका जो सैलरी है उसको डिवाइड अलग अलग कर दिया वंस और टेंस में, जो कि जोड़ के फिर अगर हम प्लस करेंगे तो 65 बनेगा। और ऐसे ही उसे मंथ्स के लिए क्या, जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 30 डेज को अलग निकाला, वन को अलग निकाला, ठीक है। फिर जो उसने 60 अलग निकाला था टेंस प्लेस पे, उसको और 30 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसने उस 60 को एक नंबर को फिर एक दिन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसने जो 5 2 उसने वंस की प्लेस का नंबर जो अलग निकाला था, उस नंबर को पहले 30 डेज से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने सारा ये कैलकुलेट किया, तो हमें आंसर 2150 निकला। लेकिन अब इसने क्या किया, इसने ये अलग अलग ना करके एक ही साथ कर लिया, तो इसने क्या मेथड किया, 195 मल्टीप्लाई 31, सबसे पहले इस वन को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 195 को वन से मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया 195, ठीक है, जो उसने इधर दिखाया 195 मल्टीप्लाई 1। अब कितना बचा वहाँ पर, 30 बचा वन से, तो किया, जब वन निकालेंगे 31 में से वन निकालेंगे कितना बचा, 30 बच गया, तो अब हम 195 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब नंबर और फिर उसमें ज़ीरो हो, तो जो ये ज़ीरो होता है वो हम ऐसे ही दिख देते हैं, ठीक है, उसका मतलब ज़ीरो ही होता है, तो वो ज़ीरो ऐसे ही दिख देते हैं। तो उसके बाद फिर अब ये जो नंबर है उससे इस
आगे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को 195 को. जैसे यहाँ पर भी लिखा है टू मल्टीप्लाई बाय 30 आई फर्स्ट राइट ए ज़ीरो हियर. तो 30 से मल्टीप्लाई करने के लिए ज़ीरो मैंने पहले यहाँ पर लिखा, 30 का ज़ीरो यहाँ पर लिखा. देन आई ओनली हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3. तो इससे क्या होगा, इसे सिर्फ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. ज़ीरो ऑलरेडी लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे. जो भी हमारा आंसर होगा उसके पीछे ज़ीरो लगेगा. फ़र्ज़ करो अगर हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 2016, तो 216 तो वो हो गया 216, लेकिन ये ज़ीरो साथ में आ गया, तो एंड रिज़ल्ट में क्या होगा 2160. ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, अब मैं ये सॉल्व करके दिखाती हूँ. तो ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका लिखा है, तो ये देख लीजिए, ये मैंने लिखा है क्वेश्चन सेम वही जो आपके बुक पे है, है ना. 195 को मल्टीप्लाई करना है 31 डेज से. ठीक है, तो 31 डेज का 1 जो है, 1 से हमने पहले मल्टीप्लाई किया वो आ गया 95. अब बचा 30, 30 बचा, 30 का 0 हम यहाँ पर लिखेंगे. अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फाइव ज़ा 15, 5 लिखा 1 आ गया कैरी, 3 नाइन ज़ा 27 प्लस 1 कैरी का हो गया 28, 8 लिखा 2 आ गया कैरी, 3 वन ज़ा 3, 4 और 5. अब रफली एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे, 3 फाइव ज़ा 15, 5 लिखा 1 आ गया कैरी, 3 नाइन ज़ा 27 प्लस 1 28, 8 लिखा 2 आ गया कैरी, 3 वन ज़ा 3, 4 एंड 5. तो हमें आंसर क्या मिला, हम इसको अब ऐड करेंगे, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 5 हो गया 9 प्लस 1 10 प्लस 14, 4 लिखा 1 आ गया कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 0 लिखा 1 आ गया कैरी, 5 प्लस 1 6. तो हमें कितना आंसर आया, 6045 आ गया मिनिस्टर का हमें, कि मिनिस्टर कितना सैलरी लेता है. तो सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज इक्वल टू रुपीज 6045. ठीक है बच्चों, अब है प्रैक्टिस टाइम. प्रैक्टिस टाइम जो आपकी बुक पे दिया गया है, यूज इरम मेथड. ये वाला जो मेथड है ये इरम का मेथड है, इरम मेथड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. ये नंबर्स जो यहाँ पर दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करने के लिए इरम का मेथड यूज़ करो. और उसके बाद फिर कुछ और नंबर्स दिए हैं, डू दीज इन योर नोटबुक यूजिंग इरम्स मेथड. तो ये होमवर्क है आपका बच्चों, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ. ये दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी, फिर ये वाले क्वेश्चंस आप घर में कर लेना और मुझे आंसर्स व्हाट्सएप पे भेज देना. ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम इरम मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है. तो इरम मेथड में पहले 32 मल्टीप्लाई बाई 46 है, तो 46 पहले किसे सीखा है, तो जो हमें लिखा है यहाँ पर, तो 6 टू ज़ा 12, 2 लिखा 1 आ गया कैरी, 6 थ्री ज़ 18 प्लस 1 19 जो हमें किया हुआ यहाँ पर. अच्छा, अब हमें 40 से करना है. 40 से करने के लिए 0 पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, तो 2 के नीचे 0 आएगा. ठीक है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टू ज़ा 8, ठीक है, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, ठीक है, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12. अब इसको प्लस करेंगे, 2 प्लस 0 हो गया 2, 9 प्लस 8 हो गया 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 1 हो गया 4 और 1. ठीक है, ये इसका आंसर आ गया. ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा है, दूसरा पार्ट है. अब इसमें आधा करके दिया है,
आधा क्या किया, फर्स्ट पार्ट नहीं किया, सेकंड पार्ट किया, तो फर्स्ट पार्ट हमें करना है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 42, 2 लिखा, 4 आगे कैरी, 6 6 36, 37 38 39 40, 6 7 42, 2 लिखा, 4 आगे कैरी, 6 6 36 37 38 39 40, 402। तो ये वाला जो है इसको हम एक, अब जब 6 से कर लिया तो पीछे कितना बचा, 40, तो 40 हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई इस वाले हिस्से को 40 से करना है, तो वो आ गया 0, हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 4 4 7 28, 8 लिखा, 2 आ गया कैरी, 4 6 24, 25 26 आ गया, यहाँ पर 40 बचा, 4 7 28, 8 लिखा, 2 आ गया कैरी, 4 6 24, 25 26, 2 6 8 0, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको दिखाने के लिए मैंने फिर से कैलकुलेट किया। अब इसको प्लस करेंगे, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया हमारा आंसर 3 0 8 2, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो बाकी वाले क्वेश्चंस हैं आपकी बुक पे, पेज नंबर है इसका 160 पेज नंबर है, चैप्टर 11 है, वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 11 है, वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन 2 का होमवर्क है, ये आप घर में कॉपी पे करोगे और आंसर मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज दोगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।